तो देखो गाइस, कस्टम एक ऐसा मोड है ना जहाँ पर आप लोग अगर हार जाते हो तो बात आपके इज्जत के ऊपर आ जाता है। अगर फ्रेंडली कस्टम है तो तब ठीक है, पर अगर कोई चैलेंज कस्टम है और आपका स्क्वाड अगर हार जाता है तो मतलब आपका स्क्वाड का पूरा बेइज्जती हो जाता है और सामने वाला बंदा तो आपको नूब बॉट गाली फाली भी दे देता है और बोलता है कि पहले खेलना सीख के या फिर हम लोग के साथ वर्सेस करना। आपने कभी ना कभी ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, पर आज के बाद आपको कभी भी ये चीज़ सुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद आप लोग कभी भी एक भी 4v4 कस्टम रूम नहीं हारोगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो आप लोगों को यूट्यूब पे कोई नहीं बोला है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस ट्रिक भी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी याद से दबा देना। सो गाइस चलो इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट कर दें। अब गाइस सबसे पहले ही मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तो देखो ज़्यादातर कस्टम स्किल से नहीं जीता जाता। अगर आपके स्क्वाड में कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, आपका मतलब आप सभी प्लेयर का अच्छे से दिमाग चलता है कि मतलब आपको मालूम है कि कौन सा टाइम में क्या करना है, तो आप लोग मतलब हर एक कस्टम ईजिली जीत सकते हो। यही तक कि मतलब सामने अगर मतलब बहुत अच्छे से अच्छा स्क्वाड भी क्यों ना आ जाए, आपका स्क्वाड में अगर कोऑर्डिनेशन है तो आप लोग ईजिली जीत सकते हो। तो इसके बारे में मैं बाद में डिटेल्स में बात करूँगा। सो अभी बात कर लेते हैं आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए सामने वाला स्क्वाड को मारने के लिए। तो देखो एक बंदे को राइट से जाना है, एक बंदे को लेफ्ट से जाना है, और दो बंदा जो रहेगा वो मतलब मिडिल में फाइट करेगा। तो क्या होगा, जो साइड दो बंदा है मतलब जो राइट में जो लेफ्ट में, वो क्या करेगा एकदम साइड से दो साइड से कवर देगा। तो इससे क्या होगा, जो सामने वाला स्क्वाड है वो एकदम मतलब सैंडविच हो जाएगा, मतलब चारों तरफ से वो लोग डैमेज खाएंगे, तो इजीली आप लोग वो स्क्वाड को वाइप आउट कर सकते हो। तो ये मतलब स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा ओपी है, मतलब आप लोग ये स्ट्रेटेजी जरूर से ट्राई करना। एक बंदे को लेफ्ट में भेजना, एक बंदे को राइट में भेजना, और दो बंदा जो है वो मतलब मिडिल में फाइट करेगा। और ये स्ट्रेटेजी टीम डी वाले प्लेयर यूज करते हैं, मतलब जब भी वो लोग कस्टम खेलते हैं तो यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। और आपको तो पता ही है टीम डी के स्क्वाड को हराना कितना ज्यादा टफ है, तो आप लोग मतलब ये स्ट्रेटेजी यूज करके सामने वाला स्क्वाड को इजीली वाइप आउट कर सकते हो। काफी ज्यादा ओपी स्ट्रेटेजी है, तो जरूर से इसको ट्राई करना। अब गाइस देखो हर एक टीम का एक ऐसा बंदा होता है जिसको अगर आप लोग मार देते हो तो सामने वाला स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता है, मतलब उस मेन प्लेयर को ही अगर मार दोगे तो सामने वाले टीम को आप लोग इजीली वाइप आउट कर सकते हो। तो यहीं पर ही आपको मतलब सामने वाला जो मेन प्लेयर है उसको ही पहले टारगेट करके मारना है। मतलब जब भी आप लोग कस्टम खेलते हो तो कभी ना कभी तो आपको लगता ही है कि हाँ ये बंदे मतलब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, मैं पहले अगर इसको मार दूँ तो भाई उसको टीममेट को तो ईजिली मार दूंगा, तो सबसे पहले मैं उसको मारता हूँ। सो यही आपके टीममेट को बोलना है कि ये वाला जो बंदा है ना ये मतलब बहुत तंग कर रहे हैं हम लोग, इसको पहले मार देते फिर सामने वाला स्क्वाड ढीला पड़ जाएगा, फिर हम लोग इजीली उसको मार सकते हैं। तो चारों बंदे मिलके भाई उस अकेले बंदे को मारना, फिर अगर वो मर गया तो हम लोग मतलब आप लोग बाकी सारे टीममेट को तो इजीली मार दोगे ओपोनेंट वाले बंदे को। जैसे अगर बात करूं मेरा स्क्वाड में, तो मैं सबसे मेन प्लेयर हूं मेरा स्क्वाड में, अगर मैं मर गया तो भाई मेरा स्क्वाड खत्म। आर यू कॉमेडी मी? गजब बेइज्जती है। अब गाइस देखो जब भी आप लोग कोई भी हार्ड स्क्वाड के साथ खेलते हो तो उसमें क्या होता है, मतलब हील बैटल बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे अभी ये वाला राउंड देखो, क्लॉक टावर का राउंड, मतलब आप लोग इजीली 100% जीत सकते हो हील बैटल करके। मतलब आप अगर मतलब आपके सारे टीममेट अगर मर भी जाए तब भी आप लोग हील बैटल करके जीत सकते हो। जैसे देखो इधर मतलब मैं अकेला हूँ और सामने मतलब पूरा चारों टीममेट है, पर मैं देखो हील बैटल करके इजीली जीत जाऊँगा, मतलब हील बैटल करके मैं गारंटीड 100% मैं इजीली जीत जाऊँगा। अब आप लोग कैसे हील बैटल करके जीत सकते हो मैं बताता हूँ। तो देखो पहले आप लोगों को एक बार जोन से डैमेज खा लेना है, जैसे देखो मैं इधर कर रहा हूँ, और फिर जब ऊपर देखने ऊपर जो टाइमर है मतलब 0:10, 0:09 ऐसे हो रहे हो, उधर जब मतलब 0:07 आएगा तब आप लोगों को मेडिकेट लगाना है। फिर जब दो मेडिकेट आप लोग लगा लोगे तो मतलब वो राउंड आप लोग जीत गए, इजीली जीत जाओगे। जैसे देखो इधर मैं दो मेडिकेट लगा दिया, मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा, तो इधर देखो मैं एलिमिनेट भी हो जाऊंगा, पर मैं फिर भी मतलब ये राउंड इजीली जीत जाऊंगा, विक्ट्री मेरा हो गया। अभी ये ग्लिच है या फिर क्या है मुझे पता नहीं, पर जब भी आप लोग दो मेडिकेट लगा लेते हो तो मतलब आप लोग वो राउंड जीत जाओगे। अब गाइस देखो अगर आप किसी बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हो और वो वाला बंदा अगर ग्लू वॉल से खुद को पैक कर लेता है, तो आप लोग क्या करते हो, बिना देखे मतलब उसका ग्लू वॉल पूरा तोड़ने में लग जाते हो कि भाई मुझे तो उस बंदे को मारना ही है, वो किल मेरे को चाहिए। तो यहीं पर ही आप लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हो। जैसे देखो ये बंदे को देखो, ये वाला बंदा सामने वाला बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, पर वो मतलब कोई भी कवर पर नहीं था, मतलब उसका ग्लू वॉल तोड़ने लग गया और मैं साइड से उसको ईजिली मार दिया। तो आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, आप मतलब किसी बंदे को अगर डैमेज दे देते हो तो सबसे पहले मतलब वो अगर
ग्लू वॉल लगा लेता है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक ग्लू वॉल से खुद को पैक कर लेना है, फिर उसका ग्लू वॉल तोड़ना है। जैसे देखो इस बंदे को मैंने कैसे मारा, मैंने मतलब पहले खुद को ग्लू वॉल से पैक किया ताकि उसका कोई भी टीममेट मेरे को ना मार पाए, फिर मैंने उसका ग्लू वॉल तोड़ा। और देखो जब भी आप लोग ग्लू वॉल तोड़ोगे तो क्या करना, मतलब पहले जो आप मतलब MP40 से अगर ग्लू वॉल तोड़ो तो मतलब जब भी आपको लगे कि हाँ अभी ग्लू वॉल तोड़ मतलब टूटने वाला है, तो अभी तब आपको क्या करना है, तब आपको एक बार रीलोड करने दें, फिर मतलब फायर करना है, ताकि क्या होगा जब मतलब पूरा गोली एनिमी के बॉडी पे लगेगा तो आपको ऐसा ही करना है, जब भी मतलब आपको लगे कि हाँ अभी ग्लू वॉल टूटने वाला है तो तभी एक बार आपको रीलोड कर लेना है, फिर डायरेक्ट फायर करना है। और अगर कोई बंदा खुद को पैक कर लेता है और आपका टीममेट भी वहीं पर है, तब आपको मतलब टीममेट को बोलना है तो ग्लू वॉल के नीचे थोड़ा मतलब बैठ जाए, मैं ऊपर से जाऊंगा, जैसे मैंने देखो इधर से कैसे इजीली मार दिया। तो ये करके भी आप लोग इजीली बंदे को मार सकते हो। अब गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको क्या गन लेना है ताकि आप लोग बंदे को इजीली मार पाओ। तो देखो आपको M1014 लेना है। अब देखो M1887 से वैसे भी दो गोली से बंदा नॉक नहीं होता और रीलोड में आ जाता है, उल्टा आपको ही मतलब वो सामने वाला बंदा मार देता है, तो इसलिए आपको M1014 लेना है, काफ़ी ज़्यादा बवाल गन है। तो M10 से अगर आप लोग डायरेक्ट स्प्रे करोगे तो बंदा भाई टाटा बाई बाई हो जाएगा। और दूसरा गन मतलब दूसरा गन स्लॉट में आप लोग UMP ले सकते हो। अभी जो नया स्किन आया है UMP मतलब जो दिवाली इवेंट में जो नया स्किन आया है वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है, तो आप लोग ये गन दो गन कॉम्बिनेशन ले सकते हो, M1014 और UMP। और अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग रेंज में फाइट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हो तो तब आप लोग को वो जो ABCD वाला गन है वो लेना है, और उसके साथ आप लोग मतलब UMP या फिर M1014 रख सकते हो, क्योंकि वो जो ABCD वाला गन है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा डैमेज दे देता है भाई, 40-50 ऐसा डैमेज दे देता है, तो आपको वही गन लेना है ऑलवेज। अब गाइस देखो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, देखो आपके पास अगर स्किल्स है पर आप लोग मतलब राइट टाइम पे क्या करना है वो आप लोग मतलब इमीडिएट सोच नहीं पाते हो, तो आप लोग मतलब एक अच्छे प्लेयर नहीं हो, आप लोग मतलब अच्छे नहीं खेल सकते। अब गाइस देखो आपको अगर अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना है तो देखो सबसे पहले आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम रूम खेलना पड़ेगा, और दूसरा है आप लोग मतलब यूट्यूब में 4v4 कस्टम रूम जो होता है ना, मतलब 4v4 चैलेंजेस जैसे TeamD का वीडियो मान लो, वो सब आप लोग को देखना है ताकि वो लोग को देख के आप लोग कुछ सीख सको। ये काफ़ी ज़्यादा ओपी है, मतलब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को खुद एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये सिचुएशन में क्या करना है, कौन से सिचुएशन में हील बैटल करना है, कौन से सिचुएशन में आपको फाइट लेना है, कौन से सिचुएशन में आपको मतलब बैकअप में आना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और बात करें आप अपने स्क्वाड में अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हो, तो देखो मतलब आपके स्क्वाड में एक बंदे को इन गेम लीडर बनाना मतलब IGL बनाना, और उसको बोलना पूरा टीम को लीड करने के लिए, और आप लोग सब उसका बात सुनना, क्योंकि उसका बात अगर सुनोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी आप लोग ऑलवेज माइक ऑन करके खेलना, और ये वीडियो अपने स्क्वाड के साथ भी जरूर से शेयर कर देना ताकि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो लोग भी समझे, और मैं मतलब मेरा जो बात है वो लोग अच्छी तरह से समझ जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़े। तो ये वीडियो अपने मतलब स्क्वाड के मेट के साथ जरूर से शेयर कर देना। अब चलो लास्ट वाला टिप की ओर बढ़ता हूँ। अब गाइस देखो सामने अगर एक बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्वाड आ जाता है और आप लोग लगातार हर एक राउंड हार जा रहे हो, तो उसी टाइम में आपको क्या करना है, देखो आपको एकदम होल्ड करके बैठ जाना है, मतलब आपका पोजीशन एकदम ही नहीं दिखाना है, आपके चारों बंदे को पोजीशन एकदम ही नहीं दिखाना है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला जो बंदा है वो आप लोगों को ढूंढने के लिए एक बंदा इधर जाएगा, एक बंदा उधर जाएगा, ऐसे करके मतलब आप लोग एक एक करके बंदे को ईजिली मार सकते हो, मतलब एकदम TPP लेके खड़े रहना। जब बंदा मतलब एकदम शॉट में आ जाएगा आपको लगे हाँ मैं अचानक से निकल के अभी हेडशॉट दे पाऊंगा, तो उसी टाइम में आपको निकाल के ईजिली मार देना, तो ऐसा करके आप लोग मतलब हर एक राउंड जीत पाओगे। और अभी बात कर लेते हैं बोनस टिप के ऊपर, तो देखो आपको ऑलवेज अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रखना है, मतलब आपको ऑलवेज सोचना है कि वो जो सामने वाला बंदा है उससे मैं काफी ज्यादा अच्छा खेलता हूं, मैं इजीली उस बंदे को मार दूंगा। जब आप ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर रखोगे तो मतलब काफी ज्यादा ओपी आप लोग खेल पाओगे, और ये कॉन्फिडेंस लेवल आपके अगर सारे टीममेट के ऊपर आ जाए तो मतलब सोचो आपका स्क्वाड कितना ज्यादा ओपी हो जाएगा, मतलब कोई भी स्क्वाड आपके स्क्वाड को हरा नहीं पाएगा। तो ऑलवेज अपना कॉन्फिडेंस लेवल को काफी ज्यादा हाई रखना। और ये वीडियो यहीं तक ही था, आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।